सवाल एक मिनट आना पीछे जाओ भाई। हाँ ठीक है ठीक है। रोल रोल मोबाइल से आपका साइलेंट है, मोबाइल कोई भूल तो नहीं गया, साइलेंट नहीं करना ठीक है। पूछो। हाँ सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे आप आते ही खाने पे टूट पड़े, इसके पीछे का क्या राज है? नहीं वो जैसे ही ये फिल्म का मैं पोस्टर देखता हूँ ना तो मुझे भूख लगने लगती है, सच कहता हूँ। ये पूरी फिल्म में इतना कुछ खाया है, इतना कुछ खिलाया इन्होंने, तो मैंने हमेशा कहा इसको शैलेंद्र को कि मैंने कहा अगली फिल्म में मैं डायरेक्ट करूँगा और प्रियन को ऐसा रोल दूंगा और खिलाते रहूँगा, और जो है वजन उसका उसमें कम से कम 10-12 किलो तो मैं बढ़ा के छोड़ूंगा उसको। बहुत परेशान किया यार। फिल्म का पोस्टर देखने पे ऐसा लग रहा है नाना बहुत हंसाने वाले भी हैं और कई बार लगता है कि बहुत गुस्से में भी हैं, तो ठीक तरीके से आपका किरदार लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कभी खाना खा रहे हैं तो फिर वो जो हम प्रोमो देख रहे हैं जिस तरीके से, तो थोड़ा सा जितने आप वो खाता है और मारता है बस, और कुछ नहीं करता, सिर्फ खाता है मारता है। और श्रेयस का बॉडीगार्ड है, संभालता है उसको, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं भूख, बाकी एक ही शब्द आता है उसको पूरे फिल्म में, उसको लगता है वो हमेशा उसको इतना ही है और चेहरे पे कोई कुछ नहीं है। और एक बार वो मिल जाए तो उसकी धुलाई हो रही है तो भी देखेगा नहीं, पहले खाएगा फिर जाके छुड़ाएगा। ओके नाना बहुत सारे लोग हैं फिल्म में, ओम पुरी जी हैं, प्रियन की फिल्म है, लाइक परेश जी हैं, कितना मज़ा आया और लाइक कुछ बताना चाहेंगे? नहीं एक तो है कितने सालों से मैं प्रियन के साथ काम करना चाहता था, कभी मतलब 3-4 बार ऐसी बात हो गई चलो ये करेंगे, ये फिल्म करेंगे, ये करेंगे, हुआ नहीं। इतने सालों के बाद मौका मिला प्रियन के साथ काम करने का, तो मतलब ये कमाल है कि वो इतने साल मुझे उसने कास्ट किया ने, काम करते हुए धमाल आई, अब मालामाल ये हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा, तो ये कमाल धमाल मालामाल इस तरह से हो गई। नाना ऐसा क्या खास बात था पहली बार जब आपके पास कहानी आई तो आपने पिक किया? बिकॉज आपके बारे में कहा जाता है आप फिल्में चूज करने में बहुत सोचते हैं कि तो ऐसा क्या कहानी, एक तो क्या है जिस तरह की फिल्म बनी है कोई भी एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी जाके देख सकता है, साफ सुथरी फिल्म है, गंदे डायलॉग नहीं, गंदे डांस नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा। पैसे बटोरने के लिए अगर नंगापन तुमको करना है दिखाना है और उस तरीके से पैसे बटोरने, तो मुझे नहीं बटोरने। तो पहली बात यह है कि जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता है प्रियन वो बड़ा अच्छा लगता है, वो बंदा अच्छा है, उसकी कहानियाँ साफ सुथरी होती है तो वो अच्छा लगता है, नहीं तो वो ऐसे 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 नाच के, तो हाँ मतलब मैं नहीं नाच के कोई आएगा कोई हीरोइन लेके। नाना जब फिल्म बन रही थी तो शुरू से ऐसी बातें आई थी कि फिल्म सीक्वल है माला माल वीकली? नहीं नहीं नहीं, जहाँ वो कहानी खत्म होगी उसके आगे नहीं है। हाँ। ये पूरी अलग से कहानी है, मतलब इसमें देशमुख तो रितेश है नहीं। हाँ। ये पूरी कहानी अलग है, हालांकि सिर्फ एक होम और लुक वगैरह पोस्टर भी थोड़ा सा चीजें बहुत कुछ मतलब उस गाँव का उस हाँ, गाँव तो मैं मुझे बुरा क्या लगता है, हमारे फिल्मों से गाँव गायब हो गया है। मुझे मालूम नहीं कि मैं गांव खेड़े का आदमी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरा गांव कहाँ है। मुझे जब गांव नज़र आता है मेरी फिल्मों में तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आज भी मुझे गंगा जमुना देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, धरती कहे पुकार के देखता हूँ मुझे अच्छा लगता है। तो वो हमारे ये शहरी फिल्मों में अभी गाँव जो गायब हो गया है, तो गाँव में जाके शूटिंग करना, वहाँ रहना, नदी के किनारे रहना है, तो वहाँ बड़ा मज़ा आया। खाना पकाओ खुद पकाओ, दो शॉट के बीच में जाके हम बहुत मतलब मज़ा आता है। हाँ सुना है आप खूब खाना पका रहे थे खूब, और मतलब फिल्म के जो मेरे लोगों को पकाने से बेहतर है ना खाना पकाए हम, मतलब दो शॉट के बीच में वक्त मिलता था और मछली बहुत अच्छी मिलती थी, पानी था बगल में और पूरा डैम है उसका बैक वाटर है, तो बहुत अच्छी मछली मिलती थी। और सभी हमारे यहाँ सभी के सभी बुक्कड़ है, ये सब देख रहे हो ना, सभी के सभी बुक्कड़ है, इतना खाते थे। खाने पीने की बात हो रही है और आते ही आप खाने पे और पोस्टर भी खाने। हाँ मतलब मैं फिल्म में बुक्कड़ हूँ, मैं बाकी मैं बहुत कम खाता हूँ। नाना का फेवरेट डिश है क्या जो आप? मुझे तीखा बहुत है, मुझे मिर्च बहुत अच्छी लगती है, मैं मीठा नहीं खा सकता। अभी आपके सामने मैंने एक जलेबी खा ली वैसे फोटो के लिए, लेकिन मैं मीठा नहीं बर्दाश्त कर सकता, तीखा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो बना लेते हैं नाना सबसे अच्छा जो डिश आप बनाते हैं? जो आप बोलो भाई, मैंने एक अल्टरनेटिव प्रोफेशन तैयार रखा है, फिल्मों में कोई काम नहीं देगा तो मेरे पास दूसरा कोई प्रोफेशन है कि अपना पेट तो हम पाल सकते हैं।
म्यूजिकली फिल्म की बात की जाए तो कितनी स्ट्रांग आपको लगती है नाना? बिकॉज आजकल हमारी फिल्मों का म्यूजिक भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है हमारी खास। देखो मुझे लगता है एक ही चीज़ बार 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 आती है तो आदमी उब जाता है, वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ अलग से चाहिए। तो कुछ अलग मतलब क्या होता है? अलग तरीके का म्यूज़िक होता है, अलग तरीके का बैकड्रॉप होता है, अलग तरीके की कहानी होती है, परफॉर्मेंस का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि ये सभी कुछ इस फिल्म में मुझे मिला, मैंने पाया। मैं कभी फिल्म प्रमोट नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये फिल्म आप देखो बहुत अच्छी है आप देखिए, और जाके देखने के बाद पता चलता है यार ये लोग क्या कहते हैं, इतनी बकवास फिल्म होती है। बावजूद उसके हमारे यहाँ भी 1,000-2,000 थिएटर में रिलीज़ करते हैं और पहले 2-3 दिन में पैसा बटोर लेते हैं और बाद में आप फिल्म को बुरा भी बोलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिल्म जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहने जाता हूँ कि मुझे अच्छी लगी। ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अच्छी लगी तो आप देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरे को कहिए कि अच्छी है फिल्म आप जाके देखिए। लेकिन अगर बुरी लगती है तो ज़रूर जाके कहिए कि बकवास फिल्म है, फिर वो गिरनी चाहिए। ताकि ये मतलब उनके साथ जो अभी ये इंटरव्यू देखेंगे, मैं उनके साथ बेईमानी कर रहा हूँ। और मुझे लगता है मेरा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है जब मेरी शूटिंग ख़त्म हो जाती है, डबिंग ख़त्म हो जाती है। ये मेरा काम नहीं है ढिंडोरा पिटना चिल्लाना कि मेरी फिल्म देखो मेरी फिल्म देखो। अच्छी है तो लोग देखेंगे, अगर बुरी है तो नहीं देखेंगे। लेकिन आजकल का दौर बदला है, जाके बोलना पड़ता है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे सच्ची बुरा लगता है कि आप मेरी फिल्म देखिए मेरी फिल्म देखिए, ऐसे भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छी है तो अच्छी है, आप ज़रूर देखेंगे, अगर बुरी है तो गिर जाएगी। लेकिन सबने मान लिया है कि ये प्रमोशन का दौर है, स्टार कास्ट को भी निकलकर बाहर खूब कहना होगा, और आदमी जब सड़क पे चलता है तो उसके आजू बाजू हर तरफ दिखना चाहिए, फिल्म के बारे में सुनना चाहिए। यही वजह शायद स्टार कास्ट बाहर निकल रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में बोल रहे हैं। तो आपने प्रमोशन की कौन कौन सी क्या सोचा है कि फिल्म लाइक अब तो 2 दिन बाकी हैं तो किस तरीके से? नहीं मैंने कहा मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं सोचता भी नहीं। मैंने ये सोचते सब ये मीडिया वाले हमारे बाकी के जो होता है ना, हमारे वक्त यह कुछ था नहीं यार। फिल्म लगने के बाद एक फिल्म में मतलब थिएटर में लगती थी, 25 हफ्ते चलती थी। अब पहले 3 दिन का धंधा है, 3 दिन में तुम्हारे पैसे रिकवर हो जाते हैं। जिस तरह से मतलब कितने फिल्मों में तुम फिल्म रिलीज कर, कैसे है ठीक हो तो, आता हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्म ऐसे अंदर से लगता है ना कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी, चलेगी कितनी क्या मुझे नहीं मालूम। मेरे पैसे तो दे दिए प्रोड्यूसर ने और तो मैं पहले ले लेता हूँ। अच्छा। हाँ फिर बाद में फिर कोई नहीं ऐसे फिर रिलीज पे वैसे वैसे में शूटिंग के दौरान ही पहले ही पैसे ले लेता हूँ तो बेहतर होता है यार, मैं डूब जाए वैसे गरीब लोग हैं। 2 दिन बाकी हैं फिल्म की रिलीज को, लेकिन कितने कॉन्फिडेंट हैं क्या थोड़ा पहली फिल्म जिस तरीके से बहुत सुपर? मैं कॉन्फिडेंट, अगर फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा नहीं होता। मुझे अच्छी लगी इसलिए प्रमोशन जो क्या है, जिस तरह से अभी पीछे अभी जो पिछली रिलीज हुई फिल्में जो है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में देखने के बाद इतनी बकवास फिल्में थी, चली बहुत। तो अभी मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ वही क्राइटेरियन है, चल गई ना फिर छोड़ो यार बाकी का क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 वजह से तुम्हारे पीछे लोग घूमेंगे, एक तो तुमने बहुत अच्छा कुछ किया है ज़िंदगी में तो लोग भीड़ होगी तुम्हारे पीछे, और कपड़े उतार के भी रास्ते पे चलो तो भी पीछे जाएंगे लोग। तो तुमको तय करना है किस तरह से तुम्हारे पीछे लोग आने चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे कपड़े उतारने के बाद मेरे पीछे अगर भीड़ आती है तो वो मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अगर वो सराहना मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इतने 40 साल के बाद में अगर मुझे ऐसा करना पड़ता है तो बुरा लगता है कि मैं जाके कहूँ कि नहीं देखो मेरी फिल्म, नहीं आपको नहीं अच्छा लगता मत देखो। फाइनली हमारे दर्शकों को आप बताइए, शुक्रवार को जब फिल्म रिलीज होगी USP क्या होगी, क्यों आए लोग सिनेमाघरों तक, वो एक लाइन जो हम हमेशा कहते हैं। एक लाइन में मैं कहूँगा कि सुकून मिलता है, एक निकल जाने थिएटर से जब हम निकलते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं यार कुछ अच्छा देखा, कहीं घूम के आए, गाँव खेड़े में जाके आए, कहीं कुछ वो हमारी जो फिसल गई है हमारी मुट्ठी से जो रेत, वो वापस कहीं मुट्ठी में आ जाती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं
अच्छा लगा यार, दोबारा जाके देखना चाहिए, वैसे इस तरह की फिल्म है ये। आपसे बात करके बहुत बहुत मैं बड़ा खुश हूँ यार, बहुत दिनों के बाद कुछ बोलने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की फिल्म करने को मिलता है। मैं प्रियंका बड़ा आभारी हूँ, मेरे सभी जो सहकलाकार जो थे वो कमाल के हैं, सभी को आप जानते हैं। प्रियन के साथ पहली बार काम किया मैंने, श्रेयस के साथ पहली बार काम किया, इस बच्चे ने इतना बेहतरीन काम किया है, ज़रूर देखिए। मुझे लगता है इस फिल्म के बाद ये बेटा मेरा स्टार बन जाएगा। स्टार है ऑलरेडी, स्टार तो है नहीं इस वक्त वो कुछ भी, लेकिन इसके बाद उसकी जो स्टार वैल्यू है बहुत बढ़ेगी। बहुत बेहतरीन काम किया बेटा, बहुत ही अच्छा, और बड़ा अच्छा लगा कि एक वो मालूम होता है ना कि एक वजन है, भार दिया है आप इस किसी के कंधे पे, और मालूम नहीं होता कि साला ये उठा पाएगा नहीं पाएगा, उसने आसानी से उठा लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।